हेलो दोस्तों, इस वीडियो में आज हम सीखेंगे डेफिनेट आर्टिकल द का यूज, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है इंग्लिश में। इंग्लिश में द का यूज काफी लोग बिना समझे कर देते हैं, जो कि पूरे सेंटेंस की मीनिंग को एकदम पलट देता है। तो बिना देर करे स्टार्ट करते हैं। डेफिनेट आर्टिकल, यह आर्टिकल का पार्ट है। डेफिनेट आर्टिकल, इनडेफिनेट आर्टिकल हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था, पिछली वीडियो में पढ़ा था। ठीक है बेटा, द का यूज, वी विल डिस्कस सम स्पेसिफिक यूज ऑफ द विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। हम इसके यूज जो है डायरेक्टली एग्जाम्पल से देखते हैं कि भाई कहाँ पर द का यूज किया जाता है। तो मैं एक चीज बता रहा हूँ, जब कोई चीज सेंटेंस में फर्स्ट टाइम आती है, ठीक है, तो वो अननोन होती है, हमें पता नहीं होता, इनडेफिनेट होती है। ठीक है, जब वो नोन हो जाती है और दोबारा वही, अगर वही वर्ड वही थिंग दोबारा रिपीट होता है, तो उसके आगे द आएगा, क्योंकि फिर वो नोन हो जाता है, उसकी मीनिंग क्या होती है, डेफिनेट हो जाती है। इसका यूज काफी होता है बेटा। जैसे आई फाउंड अ बैग, मुझे एक बैग मिला, द बैग कंटेन्ड अ पेन। अब मैंने बैग के आगे द रखा, क्यों रखा, क्योंकि मैं पहले जब बैग मुझे मिला था तो वो कोई बैग था, अब वो नोन हो गया, अब दोबारा मैंने उसका यूज करा तो द रखा, द बैग कंटेन्ड अ पेन। ठीक है, अब अ पेन, अ पेन, पेन मुझे नहीं पता था, पेन अननोन था, अब पेन नोन हो गया, फिर मैंने क्या रखा, द पेन वॉज मेड ऑफ सिल्वर। जो पेन है वो किसका बना था, सिल्वर, चांदी का बना था। तो जब कोई भी चीज हमें क्या होती है, फर्स्ट टाइम हम मिलते हैं तो अननोन होता है, फिर हम यूज टू हो जाते हैं, उसको जानने लगते हैं तो नोन हो जाता है, नोन होते उसकी मीनिंग डेफिनेट हो जाती है, तो यहाँ रख देते हैं। ये कई जगह पूछा भी जाता है। सेकेंड एग्जाम्पल है इसी का, ही बॉट अ बुक, ही बॉट अ बुक, He bought a book. वो एक बुक लाया, द बुक हैज मैनी पेपर्स। अब बुक के आगे मैंने द रख दिया क्योंकि सेंटेंस में पहले आ गया है, एंड द पेपर्स वर वेरी फाइन। और जो पेपर, अब पेपर की मैंने बात करी, जो पेपर्स थे वो अच्छे थे, तो मैंने फिर उसके आगे द रखा। ठीक है, तो ये सबसे पहला है, जब मीनिंग क्या हो, डिफाइन हो जाए। जब बेटा मीनिंग डिफाइन हो जाए, डिफाइन होने के बाद द सेम वर्ड आगे किसी सेंटेंस में आता है तो आप क्या रखेंगे बेटा, द रखेंगे। दिस इज द सिंपल यूज ऑफ द फर्स्ट टूल। नाउ द सेकेंड वन विद द कंपैरेटिव डिग्री। भाई हम जानते हैं सुपरलेटिव डिग्री के आगे आता ही है द, लेकिन कंपैरेटिव डिग्री के लिए के साथ भी आता है। कब, जब कंपैरेटिव डिग्री का यूज एज अ एडवर्ब होता है। ठीक है, एडवर्ब क्या होता है, जो वर्ब को मॉडिफाई करता है, वर्ब की तारीफ करता है। द मोर शी गेट्स, यहाँ पे गेट्स का मतलब पाना है, और पाने को जो मॉडिफाई कर रहा है मोर, तो यहाँ पर मोर जो है बेटा वो एडवर्ब है। जब इस तरीके के एडवर्ब की तरह यूज होते हैं, जब एडवर्ब की तरह यूज हो एडजेक्टिव, तो उसके आगे द आता है। द मोर शी गेट्स, द मोर शी डिमांड्स, द मोर यू वर्क, द मोर यू गेट। एग्जाम में कई बार बेटा ये आया है। रूल नंबर थर्ड, रूल नंबर थर्ड सिंपल है ये तो, ही इज द स्ट्रॉन्गर ऑफ द टू। अब देखो यहां पर थोड़ा सा देखने वाली बात है, जब हम क्या करते हैं, कंपैरिजन ऐसा करते हैं, दो तीन लोगों में सबसे बढ़िया बता देते हैं, हाँ ये बढ़िया, लेकिन उसको हम डिफाइन करते हैं किससे, कंपैरेटिव डिग्री से। उसको डिफाइन डेफिनेट करते हैं किससे, कंपैरेटिव डिग्री से, तो द आएगा, ही इज द स्ट्रॉन्गर ऑफ द टू। वो उन दोनों में ताकतवर है, वो उन दोनों में, वो हैं दो, उन दोनों में से एक का सिलेक्शन मैंने कर दिया। ठीक है, दिस इज द बेटर ऑफ द टू नॉवल्स, दिस इज द बेटर ऑफ द टू नॉवल, वो उन दो नॉवलों से ये नॉवल बेहतर है। ठीक है बेटे, नेक्स्ट आता है हमारे पास फोर्थ रूल, फोर्थ रूल बिफोर सुपरलेटिव डिग्री। बेटा ये तो बचपन से काफी बच्चे पढ़ते आ रहे होंगे, भाई सुपरलेटिव डिग्री से पहले आता है। एडजेक्टिव की तीन डिग्री होती है बेटा, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। ठीक है, कोई सी भी सुपरलेटिव डिग्री हो उससे पहले हमेशा द आता है। ठीक है, ही इज द बेस्ट, यहाँ पे बेस्ट क्या है, गुड की सुपरलेटिव डिग्री है, उसके आगे क्या आया बेटा, द। ठीक है, ही इज द बेस्ट स्टूडेंट ऑफ आवर ग्रुप, वो हमारे ग्रुप का सबसे बेहतरीन विद्यार्थी है। शी इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन दिस एरिया, वो इस एरिया की सबसे अच्छी, सब सबसे सुंदर लड़की है। ठीक है, लेकिन इसका एक्सेप्शन है, जब हम किसी एरिया, पर्टिकुलर एरिया की बात ना करें, एक एक लिमिट की बात ना करें, अनलिमिटेड बात करें, तब यहां पर ए आता है। जैसे जैसे नीचे दिया है, शी इज अ मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल,
ठीक है, वो बहुत सुंदर लड़की है। अब मैंने यहां कंपैरिजन किया ही नहीं, मैंने कुछ कहा ही नहीं, मैंने कह दिया वो कोई सुंदर लड़की है, ठीक है, वो बहुत सुंदर लड़की है, वो अननोन है, मैं जानता ही नहीं। अगर मैं उसे जानता हूंगा तो मैं द लगाऊंगा, ठीक है बेटा। तो यहां पर भी दिस इज अ मोस्ट यूजफुल रेफरेंस बुक, दिस इज अ मोस्ट रेफरेंस और यूजफुल रेफरेंस बुक, ये सबसे ज्यादा लाभदायक बढ़िया बुक है, लोग इसे रेफर करते हैं, तो यहाँ पर भी ए का यूज है, ये इसके एक्सेप्शन है। आगे देखते हैं बेटा, आगे है बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन। भाई बच्चों इसका यूज बहुत होता है, बच्चे बहुत गड़बड़ करते हैं, ठीक है। कहना है जब एक सिंगुलर काउंटेबल नाउन पूरी कास्ट क्रीड को डिपिक्ट करता है तो वहां द आता है। जैसे इसमें कहा द टाइगर इज अ फियर्स एनिमल, जो टाइगर है वो क्या है, खतरनाक जानवर है, तो यहां सिंगुलर है टाइगर और एक टाइगर से पूरी जाति की बात हो रही है, तो द आएगा। द डॉग इज अ फेथफुल एनिमल, सिंपल सी बात है, एक डॉग थोड़ी सारे डॉग होते हैं, तो डॉग क्या है कि द आएगा। द काउ इज एन एनिमल, एक काउ से सारी काउ की बात कर रहा है, तो द आएगा। तो सिंपल सी बात है, जब सिंगुलर काउंटेबल नाउन बेटा पूरी कास्ट क्रीड को बताए तो द आएगा, ध्यान रखना। बिफोर यूनिक ऑब्जेक्ट, कोई सा भी यूनिक ऑब्जेक्ट है, यूनिक अनोखा सबसे अलग, तो उसके आगे द आएगा। जैसे यूनिक में देखें सन है, अर्थ है, वर्ल्ड है, यूनिवर्स है, ठीक है, ये सारे यूनिक है अपने आप में, इनकी एक परिभाषा है। नेक्स्ट है सेवेंथ रूल बेटा, व्हेन ऑब्जेक्ट व्हेन एडजेक्टिव्स यूज एज नाउन। देखो बेटा ये मोस्ट इंपॉर्टेंट यूज है, कई बार एग्जाम में भी आया है, इवन एसएससी के भी एग्जाम में ही आया है, ठीक है। व्हेन एडजेक्टिव्स यूज एज नाउन, जब एडजेक्टिव नाउन की तरह यूज हो, एडजेक्टिव एक्चुअल में है क्या, एडजेक्टिव वो वर्ड होते हैं जो नाउन को प्रेज करते हैं, नाउन को बताते हैं, नाउन की मीनिंग और ऐड कर देते हैं, तारीफ करते हैं। द यंग एंड द ओल्ड, यहां पर सुनो, द यंग एंड द ओल्ड, यंग भी हमारा क्या है बेटा एडजेक्टिव है, ओल्ड भी एडजेक्टिव है। द पुअर एंड द रिच, पुअर भी हमारा एडजेक्टिव है और रिच भी हमारा एडजेक्टिव। द मेल एंड द फीमेल, ठीक है, ऑल सपोर्टेड गांधी जी, यहाँ पर जितने भी आगे द द मैंने रखे हैं सारा क्या है बेटा, ये सब सारे जो वर्ड हैं एडजेक्टिव है और ये नाउन की तरह यूज हैं, ठीक है, एक पर्टिकुलर नेम को बता रहे हैं, तो ऐसे यूज में क्या आता है, द आता है बेटा इस तरीके से। जैसे 4% पोर्स आर रिजर्व फॉर द डिसेबल्ड, अब डिसेबल्ड क्या होता है, डिसेबल्ड हम जानते हैं अयोग्य व्यक्ति, ठीक है, लेकिन डिसेबिलिटी एडजेक्टिव है लेकिन यह नाउन की तरह यूज है, ठीक है। द पुअर आर जनरली ट्रस्टवर्थी, ठीक है, अब यहाँ पे पुअर एडजेक्टिव है लेकिन नाउन की तरह यूज है, जितने भी गरीब हैं वो क्या है बेटा, गरीब साधारण रूप से क्या होते हैं बेटा, भरोसे लायक होते हैं, ट्रस्टवर्थी, ठीक है, ये है। नेक्स्ट हमारे पास रूल है बच्चों, बिफोर द थिंग्स विच आर अंडरस्टूड, ठीक है बेटा। देखो ऐसी नोन जो हम चीज जानते हैं और दोबारा हम उसको क्या करते हैं, मेंशन करते हैं सेंटेंस में, तो वहां क्या आएगा, द आएगा। जैसे प्लीज रिटर्न द बुक, कौन सी बुक, दैट आई गेव यू, अगर मैं लिखता प्लीज रिटर्न बुक तो सेंटेंस नहीं बनता, बुक नहीं जानता मैं, ठीक है, लेकिन मैंने द रखा है तो वो बुक मैं जानता हूं। कैन यू टर्न ऑफ द लाइट, ठीक है, द लाइट इन द रूम, मैं किसकी बात कर रहा हूँ, जो रूम की है जिसको मैं बताऊंगा, ठीक है। ही हैज गॉन टू द रेलवे स्टेशन, कौन से रेलवे स्टेशन की बात कर रहा हूं मैं, अगर दिल्ली में हूं तो दिल्ली के रेलवे स्टेशन की बात करूंगा, ये थोड़ी कहूंगा कि क्या कहते हैं लुधियाना या पंजाब की रेलवे स्टेशन, तो ध्यान रखना बेटा। तो ये द के स्पेसिफिक यूज है और ये सिचुएशन के अकॉर्डिंग यूज होता है बेटा, सिर्फ सिचुएशन के अकॉर्डिंग, ये जितनी भी चीजें हैं ये सिचुएशन है जो सेंटेंस से मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, आप इनको फॉलो करेंगे और आगे यूज करेंगे ऑटोमेटिकली आपको समझ में आने लगेगा। आई वॉन्ट टू मीट द मैनेजर, आई वॉन्ट टू मीट द मैनेजर, किस मैनेजर को, जिसे मैं जानता हूं, जिससे मैं कल मिला था, द रखते ही ये हो जाएगा, उस मैनेजर को मैं जानता हूं क्योंकि मीनिंग को मैंने डिफाइन कर दिया। डिड यू लाइक द स्टोरी, क्या तुमने, तुम्हें स्टोरी पसंद आई, कौन सी, दैट आई टोल्ड यू यस्टरडे, जो मैंने आपको कल बताई थी या बाद में कभी भी बताई होगी, तो ये रूल आठ, एक आठवा था बेटा, एट्थ रूल था हमारा। नेक्स्ट है रूल नंबर नाइन, रूल नंबर नाइन बहुत बहुत, देखो यहाँ मीनिंग समझने की बात है, दोनों ही सेंटेंस ठीक है, ही इज गोइंग टू द स्कूल और ही इज गोइंग टू स्कूल, यहाँ लेकिन
लेकिन कॉन्सेप्ट देखिए, ऊपर जो कह रहा है ही इज गोइंग टू द स्कूल, भाई स्कूल क्या है? स्कूल में बच्चे पढ़ने जाते हैं, और स्कूल के आगे स्कूल का वर्ड ही एजुकेशन को डिफाइन कर रहा है। लेकिन द रख के मैंने इसकी मीनिंग को कहाँ डिफाइन करा? मैंने ये बताया जो ही है वो स्टूडेंट नहीं है, ही स्टूडेंट नहीं है, ये चाहे कोई और होगा, स्टूडेंट के पिताजी होंगे, कोई और होगा, लेकिन स्टूडेंट नहीं होगा और ये स्कूल पढ़ने नहीं जा रहा है। ही इज गोइंग टू द स्कूल, ये किसी और काम से जा रहा है, ये स्टूडेंट नहीं है, लेकिन नीचे वाला ही स्टूडेंट है, ही इज गोइंग टू स्कूल। तो ये होता है, बच्चे क्या नॉर्मली द कहीं पर भी रख दे तो उसका मीनिंग क्या होता है बेटा, तुरंत चेंज हो जाता है द रखते। और ये तो रूल छोटे हैं, आपको पता है, ये बहुत से सब लोगों को पता होगा, बिफोर द डायरेक्शन, डायरेक्शन से पहले द आता है, जितने भी इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन और बिल्डिंग है, ठीक है, हिस्टोरिकल प्लेसेस बोलते हैं, उनके नाम के आगे द आता है, द ताजमहल, द रेड फोर्ट, द कुतुब मीनार, द हुमायूं टॉम, ठीक है, दी अक्षरधाम मंदिर, ये सब। बिफोर द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, बिफोर द म्यूजिकल, जितने भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, उन सब के आगे द आता है, द तबला, द वायलिन, एक्सेट्रा, ठीक है बेटा। तो इन चीजों को आप याद रखेंगे। एक चीज मैं, 10 ही रूल आपको मैंने बताया, बहुत जल्दी बेटा एक्सरसाइज भी लेके आऊंगा। एक मेरी पार्ट 1 थी जिसमें मैंने an का यूज बताया है, इसमें द का यूज बताया है, इतने यूज को आप फॉलो करिए। एक चीज और, ये बेटा सिर्फ सिचुएशनल है, सिचुएशन है, डिफरेंट सिचुएशन के साथ, डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन के साथ द का यूज होता है। यू मस्ट हैव टू फाइंड द सिचुएशन, आपको सिचुएशन पहचाननी है, एंड पुट द, और द को एकदम फालतू में यूज बिल्कुल मत करिए, ठीक है। और लाइक और शेयर करते जाइए बेटा, जैसे जैसे आप लाइक शेयर करते जाएंगे, वैसे वैसे मेरी और वीडियो भी आएंगी, और मैं और डीप वे में ग्रामर को आपको बताऊंगा, ठीक है बेटा। यहाँ तक के लिए इतना ही काफी है, नेक्स्ट वीडियो मेरी बहुत जल्दी आएगी। ओके, गुड बाय।